होंगी. आई एम खुशी और आज है 21st फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल और मेरे साथ है रिचा. हम लोग हिर्शगार्टन में आए हैं फाइनल देखने. रिचा थोड़ा बताओ. आज हम लोग फाइनल देखने आए हैं लेकिन ये तो बताओ कि हम लोग सपोर्ट किस टीम को कर रहे हैं. हम लोग हम दोनों सपोर्ट कर रही है. नहीं हम लोग दोनों. गाइस प्लीज देखिएगा कौन सी टीम जीतने वाली है. नहीं हम लोग क्रोएशिया फॉर अ चेंज इस बार क्रोएशिया को सपोर्ट कर रहे हैं. हम लोगों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. हम दोनों एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. आज हिर्शगार्टन में जरूरत से ज्यादा भीड़ है क्योंकि अब फर्स्ट फाइनल है लेकिन लकीली हम लोगों को जगह मिल गई है और वो भी बिल्कुल स्क्रीन के नीचे. आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल होगा. तो इतनी भीड़ होने के बाद भी ना हमें सिर्फ सीट मिल गई है बल्कि हम लोगों ने अपने अपने ड्रिंक्स भी ले लिए हैं. आज का क्राउड बहुत बड़ा क्राउड क्रोएशिया को सपोर्ट कर रहा है. रिचा भी क्रोएशिया को सपोर्ट कर रही है. सो वी आर ऑल सेट फॉर द मैच लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है और थोड़ा सा मजा खराब हो सकता है. धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है और ये ओपन गार्डन है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. सिर्फ आपको भागना पड़ेगा. बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी लेकिन बारिश रुकने के बाद अब उतनी तेज धूप भी खिल गई है और हाफ टाइम पूरा हो चुका है. स्कोर है फ्रांस इज 2 एंड क्रोएशिया इज 1 पर हम 100% श्योर है क्रोएशिया जीतने वाला क्योंकि वी आर चीयरिंग अप फॉर क्रोएशिया. वहाँ पे ट्रॉफी मिल रही है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. हमारी टीम तो हार गई है. फ्रांस जीती है. कीर्ति खुश हो? खुश हो दुखी हो? मैं म्यूनिख का फर्स्ट टाइम मैच देखा मैं तो खुश हूँ भाई कोई नहीं. रिचा खुश? एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं तुम्हारे. ये यहाँ पे क्रिटिक्स बनने की कोशिश कर रही है. मेरे हिसाब से मैंने ये पहला फुटबॉल का मैच देखा है अपनी लाइफ में और मेरे हिसाब से फ्रांस ने बहुत अच्छा खेला है. तो यहाँ तक का ब्लॉग इतना ही था. हमारी टीम जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे वो हार चुकी है बट इट्स ओके. कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था. अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया देन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.